फेडरेशन ऑफ फार्मा जनरिक की पहली वार्षिक आम बैठक 8 अक्टूबर को एरोसिटी होटल हॉलिडे में हुई। इस बैठक में भारत में जेनरिक मार्केटिंग करने वाली सभी कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें सिप्ला, वॉकहार्ट, इंटास, डाइडस, बायोकेम, लिफोर्ड, जर्मन रेमेडीज, कैडिला फार्मा, ग्लैनमार्क, लेबोरेट और कई अन्य बड़ी कंपनियां शामिल हुई। इस बैठक में लगभग 150 प्रतिभागी शामिल हुए। बैठक में डॉक्टर ईश्वर रेड्डी, भारत के संयुक्त औषधि नियंत्रक, अतिथि वक्ता शामिल हुए। इस बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ और अपने सदस्यों के कल्याण के साथ गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं प्रदान करना है। अपने सदस्यों को किसी भी खतरे से बचाएं, ऐसी नीति बनाने के लिए सरकार के साथ भी काम करें जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। इनफैक्ट आप देखिए कि 2020 में हमारा ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और उस समय गिनती के मेंबर्स थे, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया वैसे वैसे लोग जुड़ते गए। आज इस एसोसिएशन में इस समय लगभग 100 मेंबर्स हैं और आज उनमें से लगभग 150 लोग, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ लोगों का। हमारी जो एसोसिएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ये है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग जो डिफरेंट रूट से जेनेरिक्स को प्रमोट करते हैं उनका रिकॉग्निशन नहीं था। तो ये प्लेटफॉर्म हम सबको एक बड़ी आशा देता है आने वाले फ्यूचर के लिए। आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री लगभग 20 से 25 हजार करोड़ की है और आने वाले 4 से 5 सालों में ये 100% 40 से 50 हजार करोड़ पे जाएगी। सर, जो हमारी आज जो मीटिंग हुई है, हमारी इंडिया के पूरे जो जेनेरिक के सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सब वो यहीं पे आए हुए हैं और हमारे रेड्डी साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात करी है क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी, हमारा जो रिटेलर है वो हमारी एमआरपी पे पेमेंट देता है, जो हमारा कस्टमर है एमआरपी पे देता है। अगर हम उसको क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। उस पाप से बचने के लिए ही हमारे को क्वालिटी वाइज ही देश की तरक्की में भाग देना चाहिए। आज इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, कैसे डिस्कशन में ये हुआ है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमने सोल्व करवाने की कोशिश करी है और वो सोल्व होएंगी और आगे बढ़ेंगे। जैसा सर, वो उस स्टोर के नाम से भी आप लोग कहीं ना कहीं स्टोर खोल रहे हैं, फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, इनका क्या मकसद है और किस तरीके से? ऐसा ना सर, औषधि स्टोर भी जन औषधि स्टोर की जो एमआरपी है उसी पे दवाई दे रही है और वही हमारा मीनिंग है कि मोदी जी के सपनों को हम साकार करें और 24 आवर्स दवाइयाँ मिले, सस्ते रेट में मिले और हर जगह मिले। मोटो क्या है आपका? मोटो ये है पब्लिक को सस्ती दवाइयाँ दिलवाई जाएं और गुणवत्ता वाली दिलवाई जाएं। दिल्ली से बीसीएन न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।